वेलकम इन बी पार्ट ऑफ लेक्चर थर्ड इन टू डे लेक्चर वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर ए इन दिस लेक्चर वी स्टडीड द सोल्यूशन ऑफ पार्शल डिफ्रेंशल इक्वेशन फर्स्ट हमने किया था कि सोल्यूशन क्या है देन हमने उसके टाइप किए थे एक किया था आपका कम्प्लीट सोल्यूशन दैन द जनरल सोल्यूशन ठीक है फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो इन टूडे लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस थिंग एंड टूडे वी स्टडीड द रिमेनिंग सोलूशन्स कि कब ये आपका सिंगुलर सोल्यूशन बनेगा कब आपका पर्टिकुलर सोल्यूशंस बनेगा और कौन से केसेस होंगे ठीक है तो इन ए पार्ट हमने किया था सोल्यूशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है ना तो सॉल्यूशन क्या था एक रिलेशन था बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन था इस नोटेशन को मैंने कहा था स्मॉल एफ फंक्शन ऑफ एक्स भी है वाई भी है जेड भी है पी एंड क्यू ठीक है इक्वल टू जीरो तो इक्वेशन बन गई तो ये मेरी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसके कोरोस्पॉग हमने ए लेक्चर वन एंड टू किया है तो वहाँ हमें ये वाला दिया हुआ था इससे ये इक्वेशन बनाई थी फॉर्मेशन में तो ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है आप एक काम करना इसका कर ली जेड कर ली एक्स निकालना कर्जेड बाई करली वाई निकालना यहाँ पुट करके देखना इट विल सेटिस्फाई ठीक है ना तो जो सेटिस्फाई करता है वो सॉल्यूशन होता है तो ये हमने ए पार्ट में डिस्कस कर लिया था ठीक है फिर हमने ये भी किया था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट की है तो सॉल्यूशन ये भी बनेगा अब यहाँ तो कॉन्सटेंट्स हैं ए एंड बी यहाँ आपका फंक्शन की फॉर्म का है ठीक है और अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हाई ऑर्डर की है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको सॉल्यूशन मिलेगा इसमें आपके दो फंक्शंस हो जाएंगे जितने जितना ऑर्डर होगा उतने आपके फंक्शंस बनेंगे ऐसा कुछ हमने सब डिस्कस किया था कि इसमें ए पार्ट में ठीक है तो अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग सोल्यूशन कौन सा था आपका कंप्लीट सोल्यूशन था या फिर आपका जनरल सोल्यूशन था आप इसको इंटीग्रल भी कह सकते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद आज हम इसे करने वाले हैं आई एम टेलिंग यू द रिलेशन बिटवीन इन दीज टू ठीक है हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है इन फ्यूचर हम जनरल इंटीग्रल करने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर तो क्यों हमें जनरल इंटीगल ही चाहिए क्या इन दो सॉल्यूशन के अलावा भी कोई और सॉल्यूशन है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो आज के लेक्चर में आपको इसका आंसर मिलेगा ठीक है नाउ आई एम रिकॉलिंग लेक्चर वन एंड लेक्चर टू फॉर्मेशन पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है एज यू हैव डन दिस वन अगर मैं आपको ये एक्सप्रेशन देती हूँ एंड आई सेड कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए तो आप क्या करेंगे देर आर द टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट ए एंड बी एंड एक्स एंड वाई आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यू विल गेट अ यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इसका डेरिवेटिव कर देंगे फिर एक्स के साथ और एक बार वाई के साथ ए एंड बी बैकपुट करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग इसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी जेड इक्ल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई ठीक है ये आपने फॉर्मेशन पार्ट वाले लेक्चर्स में किया था ठीक है अब यहाँ मैं टॉपिक सेम उठा रही हूँ एंड आई विल शो यू दैट कि ये वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको और ये जो फंक्शन है ना ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा कैसे देखिए ये टॉपिक आपने किया था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ द फंक्शंस दिस एफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स तो मैं ज़्यादा नहीं जल करूंगी इसको पूरा कंप्लीट आपको आता है ये कैसे करना है कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स निकाल लीजिए कर्ली जेड बाई करली वाई निकालिए जैसे मैंने यहाँ किया करली जेड बाई करली एक्स तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स इज हेयर एफ का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश इंटू में इन साइड टर्म का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई इज ए कॉन्स्टेंट वन बाय एक्स का क्या होगा माइनस वन बाय एक्स केयर प्लस अब ये फंक्शन एस डेज यानी एफ ऑफ वाई बाय एक्स इंटू में एक्स का डेरिवेटिव वन आई गॉट दिस एक्सप्रेशन देन पार्शियली डिफ्रेंशिएट दिस इक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई तो कर्ली जेड बाई करली ऑफ ये इसका ये एक्सप्रेशन लिखा मैंने इसका डायरेवेटिव क्या है यहाँ पर करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू एक्स तो कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा तो डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे एफ का तो so एफ का डायरेवेटिव क्या आएगा एफ डैश वाई बाय एक्स नाउ यू आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई सो वाई बाय एक्स का डेरेवेटिव क्या आएगा वन बाय एक्स क्योंकि वाई का डायरेवेटिव क्या हो जाएगा वन तो करली जेड बाई करली वाई हियर दिस एक्स टू एक्स कैंसि एफ डैश वाई बाय एक्स ठीक है अब बैक इसके पा जाइए कर्ली जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स इन प्लेस ऑफ दिस वन यूज दिस यानी कि आपको इसकी जगह पे क्या रखना है ये वैल्यू तो ये क्या बन जाएगा करली जेड बाई कर्ली वाई प्लस अब एफ ऑफ वाई बाई एक्स ये यहाँ से निकाल लो इसकी वैल्यू क्या आएगी जेड बाई एक्स ठीक है अब यहाँ पे एक काम करो x को बैलेंस कर दो बाई टेकिंग एल्सियम तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई या इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू यू विल ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन क्या मिलेगा x करली जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई करली जेड बाई करली वाई प्लस जेड ठीक है अब इस टर्म को ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो जेड इज इक्वल टू क्या होएगा कर्ली जेड बाई क्ली एक्स की नोटेशन क्या होती है अपनी पी ए है, है ना और एक्स साथ में प्लस ये टर्म इधर लेके आओगे तो वाई एंड कर्ली जेड बाई करली वाई क्या आएगा क्यू तो आपने ये काम किया हुआ है अभी हम फ्यूचर में करने वाले हैं कंटिन्यू लेक्चर्स में मैं आपको करवाऊंगी आई विल गिव यू दिस एक्सप्रेशन एंड आई विल से यू टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन आपने ये फॉरवर्ड तो आपको चलना आ गया अभी मैं आपको बैकवर्ड चलाऊंगी ठीक है तो वहाँ तक जाने के लिए कुछ डेफिनेशनस है मेरे पास कि वट इज सोल्यूशन वो मैंने आपको बता दिया सेकेंड था कि वट इज द कम्प्लीट इंटीगर ये जो कॉन्स्टेंट ये वाले जो एक्सप्रेशन है ना ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो सॉल्यूशन है ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल है ठीक है फिर आपका ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस तरह का जो एक्सप्रेशन है ये आपका कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन है ठीक है तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कंप्लीट इंटीग्रल भी है जनरल सॉल्यूशन भी है सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है तो ये क्या रिलेशनशिप है इनका तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे देखिए आपको नोट याद रखना पड़ेगा दीज टू सोल्यूशंस विच वन वन इज दिस टाइप सोल्यूशन दैट कंटेन द कॉन्स्टेंट्स दैट इज द कम्प्लीट इंटीरियर दिस इज माई कम्प्लीट इंटीरियर दैट इज जैसे ये है ना ये कम्पलीट इंटीरियर है और ये जनरल इंटीरियर है आप इंटीरियर कीजिए सोल्यूशन भी कह सकते हैं ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था ठीक है जनरल सोल्यूशन कहिए या जनरल इंटीरियर कहिए कम्प्लीट इंटीरियर कहिए या कम्प्लीट सोल्यूशन कहिए बात एक ही है ठीक है तो ये दो सोल्यूशन आपके पास तो मैं क्या स्टेटमेंट देने वाली हूँ आई एम सेइंग दीज टू सॉल्यूशंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिजल्टेंट आपके सामने है ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन सेम थी फ्यूचर में हम ये करेंगे ठीक है क्योंकि अभी मैंने आपको सोल्यूशन निकालना नहीं सिखाया है ना तो इसलिए मैं आपको फॉर्मेशन से बता रही हूँ चीज़ तो सेम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको जनरल सॉल्यूशन भी मिल गया और कंप्लीट इंटीग्रल भी है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि हमें कौन सा सॉल्यूशन जन देना चाहिए तो आपको मेमोराइज करना है कि जनरल इंटीग्रल ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज मोर जनरल देन द कंप्लीट इंटीग्रल जैसे मान लो इस क्वेश्चन में ही देखो जो मैंने एग्जाम्पल लिया है जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ये मेरा कैसा सॉल्यूशन है दिस इज माई कंप्लीट इंटीग्रल आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्मेट देखो जेड यहाँ रखिए टेक एक्स आउटसाइड तो यहां आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा प्लस बी और ये वाई बाई एक्स तो ये जो फॉर्म बनी है आपकी दैट इज नथिंग बट इन दिस फॉर्म में एफ ऑफ वाई बाई एक्स ठीक है तो ये जो पर्टिकुलर केस अगर मैं ले लेती हूँ इस क्वेश्चन के अंदर तो दिस कंप्लीट इंटीग्रल इज इन दिस फॉर्म एक्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में होगा जिसमें कि ये जो एक्सप्रेशन है यहां से यहां तक का आई एम सेंग दिस इज एफ वाई बाई एक्स ठीक है तो फ्यूचर में जब आपकी बुक भी है उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्ड हैं तो हम सॉल्यूशंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो निकालेंगे हम प्रेफर करेंगे जनरल इंटीग्रल लिखना इंस्टेड की कंप्लीट इंटीग्रल कई जगह जरूरत होगी मुझे कंप्लीट इंटीग्रल की भी वो देखेंगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन जब निकालने हैं ना आई विल टेल दिस इन द अभी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा सिंगुलर सोल्यूशन है ठीक है तो आपका कंप्लीट इंटीगरल दैट इज रिटर्न इन द जनरल इंटीगर सो आलवेज रिमेंबर दिस लाइन तो वी सॉल अ पार्शियल डिफेंशियल इक्वेशन वेन वी सॉल अ पार्शियल डिफेंशियल इक्वेशन वी शुड फाइंड द जनरल इंटीगर ठीक है इन फ्यूचर मैं आपको करवाऊंगी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मैंने उठाने हैं डिफरेंट एक्सरसाइजिस के लिए तो हम इसका क्या निकाल लेंगे जनरल इंटीगल यानी कि सोल्यूशंस में हमारा सोल्यूशन किस फॉर्म का होगा देर आर सम फंक्शंस इम्पोर्टेंट नोट और भी है हमारे पास जैसे अभी मैंने बोला कि जब हम सोल्यूशंस करेंगे तो वी विल फाइंड जनरल सोल्यूशंस but it is not always possible for a given partial differential equation to calculate the general solutions in that case hum kya trick apnayenge we will use yeah, we will use our complete integral to find this general integral ye practice hum karenge future jab questions karenge to so just अपनी memory में ये चीज़ रखना ठीक है अब हमारे दो type के solutions और होते हैं जो इन्हीं solutions से भी हम हमें मिलेंगे देखो नंबर वन वो सॉल्यूशन है तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा ठीक है तो एक तो ये रूल फंडामेंटल चलेगा अपना सेकेंडली कि ये सॉल्यूशन आपका जनरल है कंप्लीट है कंप्लीट में भी आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप है या सिंगुलर इंटीग्रल है ठीक है तो ये टू टाइप के हैं तो अभी मैं आपको जस्ट हमने आज क्वेश्चन करना है सिंगुलर इंटीग्रल का एंड एक क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर इसकी डेफिनेशन करेंगे प्रोसीजर करेंगे एंड एक एग्जाम्पल करेंगे ठीक है उसके बाद फिर अपना सिलेबस प्रॉपर स्मूथ अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज चलेगा जो अपनी बुक में मेंशन है तो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ अ पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला हुआ है ठीक है तो इस टर्म से तो आप फेमिलियर हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इन पार्शियल इसको हम कैसे यूज़ करेंगे देखो इंटीग्रल निकालना इट मीन इंटीगर मतलब सोल्यूशन तो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन अ विदेफिनेशन अब ये सोल्यूशन किसका निकाल रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल का है ना तो आई विल राइट हियर अ सोलूशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑबटेन फ्रॉम द कंप्लीट इंटीग्रल पहले आप क्या निकालेंगे कंप्लीट इंटीग्रल यानी कि कॉन्स्टेंट्स वाला सोल्यूशन बाई गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट अब आपके आर्बिटरी कॉन्स्टेंट कौन है ए बी इस तरह की form के फॉर्म के हैं तो ए और बी की कोई पर्टिकुलर आप वैल्यूज जब आप गिवन करेंगे एंड द सोल्यूशन आप ऑप्टेन करेंगे दैट सेटिस द डिफेंशियल इक्वेशन इस दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज द पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब आपको कंप्लीट इंटीग्रल से ही डायरेक्ट कोई वैल्यू असाइन करके ये सोल्यूशन ऑप्टेन होगा ठीक है देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कॉम्पिटेटिव के लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चे सिंगुलर इंटीगल आपकी बुक में इसके तीन चार क्वेश्चन हैं वो भी कहाँ हैं शार्पिड मैथड में मैंने जो एग्जाम्पल उठाया है वो आपकी अभी हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं तो थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाया है ताकि सिंगुलर इंटीगल का क्वेश्चन हम कर सकें जो आपकी बुक में मैंशन हो ठीक है वैसे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो जैसे इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर आपका आने के चांसेज हैं इन दैट केस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा बुक में ज़्यादा मैंशन नहीं है ये जस्ट डेफिनेशन गिवन है तो क्वेश्चन मैंने आपकी फोर्थ एक्सरसाइज से शार्पिड मैथड से उठाया चलिए लेट टेक वॉट इज अ सिंगुलर इंटीगल सिंगुलर इंटीगल कहिए या सिंगुलर सोल्यूशन कही है बात एक है ठीक है अगेन सोल्यूशन है तो इट विल सेटिस्फाई द पार्शियल डिफेंशियल इक्वेशन ये तो होगा बट इसकी अलग करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक तो इसमें कोई कॉन्स्टेंट नहीं होगा आपका नंबर वन नंबर टू हम इसे ऑप्टेन नहीं कर सकते फ्रॉम एज जैसे कि हमने पर्टिकुलर इंटीगल ऑप्टेन किया ऐसे नहीं मिलेगा हमें ठीक है अ डज नॉट कंटेन एनी अब नहीं आपको कि ये तो पर्टिकुलर है लेकिन हमें साथ में ये भी कहना है विच कैन नॉट बी ऑप्टेन एज ए पर्टिकुलर इंटीगल ये नहीं कि कॉन्स्टेंट की कोई वैल्यू साइन कर दी और जब कॉन्स्टेंट नहीं रहा तो वो आपका पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका सिंगुलर बना नो दिस इज अ सॉल्यूशन व्हिच इज ऑब्टेन या व्हिच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ठीक है एंड व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेनड एज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि डेफिनेशन से ज्यादा क्लियर नहीं होता चलिए वर्किंग प्रोसीजर कैसे करेंगे इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की वन होगी जिसको हम स्टार कहते हैं देखो ना एक्स वाई जेड यहाँ पी और क्यू ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल उठाया हुआ है हायर भी हो सकता है ठीक है तो ये स्टार जो है दिस इज़ माई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने उठाया कंप्लीट इंटीरियर वो मैं उसका नाम दिया मैंने कैपिटल एफ एक्स वाई जेड ए बी जैसे अपने नोटेशन ए पार्ट में थी तो ये कौन है दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल एंड स्टार इज माई पार्शियल डिफ्रेंशियल इक्वेशन मैं ये बोझ करके चल रही हूँ आपने क्वेश्चन में कर लिया ठीक है उसके बाद टू फाइंड दिस सिमलर इंटीग्रल आपको क्या करना है जो कंप्लीट इंटीग्रल है उसको डिफ्रेंशियट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए एंड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू बी ठीक है जो आंसर आएंगे उनको इक्वेट टू जीरो करना है यानी कि मेरे पास इक्वेशन वन टू एंड थ्री बन जाएगी अब वन टू एंड थ्री को आपको साइमल्टेनियसली यूज करना है और कांस्टेंट ए एंड बी एलिमिनेट करना है एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन करना है दैट विल सेटिस्फाई द दिस स्टार इक्वेशन ठीक है तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ना जो रिलेशन बनेगा आपके पास विदाउट ए एंड बी यूजिंग वन टू एंड थ्री दिस इज नोन एज द सिंगलर इंटीगर तो कई क्वेश्चन जब हम करेंगे ना उसमें ये आपको मिल जाएगा कहीं में ये पॉसिबल नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि हर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा नो no. केसेज पे डिपेंड करता है इन फ्यूचर वी विल लर्न दिस थिंग जब भी मैं करवाऊँगी तो मैं आपको हमेशा बोलूंगी थर्ड लेक्चर के बी पार्ट पे, सेकेंड पेज पर पे, मैंने आपको सिंगलर इंटीगर करवाया था ठीक है तो इसका आप अपनी बुक में जब नोट कर रहे हो तो लेक्चर थ्री का पार्ट बी का सेकेंड पेज इस फॉर्मेट में लिखना मुझे यूज करना पड़ेगा ये लेक्चर मुझे कई बार यूज़ करना पड़ेगा ठीक है ओके तो ज्योमेट्रिकली जैसे हम ये कहते थे कोई कर्व है उसका एक टच करती हुई लाइन टेंजेंट होती है है ना तो इसी तरह से सिंगुलर सॉल्यूशन है क्या सिंगुलर इंटीग्रल इज़ द एनवेलप ऑफ टू पैरामीटर फैमिली ये जो आपकी थी दो ही तो पैरामीटर थे तो टू पैरामीटर फैमिली ऑफ द सर्फेस इज दिस वन ये इसका एनवेलप का काम करता है ठीक है लेटेस्ट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन हम ये वर्किंग प्रोसीजर लेंगे तो सिंगुलर इंटीगर को समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन वैसे आपकी इस एक्सरसाइज में नहीं है बच्चों ये आपकी शार्पिड मेथड वाली एक्सरसाइज में बुक में आपके ये क्वेश्चन ये ठीक है तो कोई नहीं अस स्टार्ट मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल उठाया है जिसका कंप्लीट इंटीगर निकालना बहुत ईजी है क्योंकि अभी हमने कंप्लीट इंटीगर निकालना नहीं सीखा ना वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की तो आज क्योंकि करना तो सर्फेज सिंगुलर इंटीगर है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए आई नीड स्टार इक्वेशन एज वेल एज इक्वेशन वन तो हाउ टू फाइंड वन तो इसके लिए मैंने क्या किया नोट किया है फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए अगर आपके पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट की है यानी आपको गिवन होगा जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू इस फॉर्मेट की है ठीक है तो अगर कोई आपसे पूछता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन तो ये इक्वेशन जो है आपकी क्लियर ऑट्स इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म है और अगर आप इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालते हैं तो जस्ट आपको क्या करना है यू विल रिप्लेस

ठीक है ये मेरा कौन हुआ दिस इज माई कंप्लीट इंटीग्रल और ये कौन हुआ दिस इज माई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है अब मुझे क्या करना है मुझे अब इसका निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन तो फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर ये जो मैंने बताया वही लिख रखा है मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन है वन एंड दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन तो यहाँ से मुझे कैपिटल एफ चाहिए तो सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट होता है वो वो आपका कैपिटल एफ है तो हेयर कंप्लीट इंटीग्रल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू जीरो तो इस क्वेश्चन में ये वाली चीज क्या है आपका ये आपको कैपिटल एफ देगा तो एफ की वैल्यू कितनी बनी आई एम टेकिंग दीज टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो एफ इज इक्वल टू जेड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए प्लस ऑफ बी देन आई सेड किसके पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए तो कर्ली एफ बाई ली ए इसका डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू तो ए तो आई गॉट हेयर माइनस एक्स एंड हेयर इज माइनस टू ए एंड कर्ली एफ बाई कर्ली बी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ टू बी अब इक्वेशन वन टू थ्री में क्या था टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन कर लिया बाय ए इक्वल टू जीरो एंड ली एफ एफ एफ

नव मुझे क्या करना है ये मेरी इक्वेशन वन है ये आपकी स्टार थी जो क्वेश्चन में पीछे हमने किया था तो वन एंड दिस एक्सप्रेशन इज योअर टू एंड दिस एक्सप्रेशन इज योअर थ्री इफ यू आर एबल टू फाइंड एन एक्सप्रेशन इन जेड एक्स वाई सच दैट देर इज़ नो कॉन्स्टेंट ठीक है और ये सॉल्यूशन मुझे कंप्लीट इंटीग्रल से नहीं मिल रहा मुझे उसके एनवेलेब फाइंड आउट कर रही हूं मैं ठीक है तो क्या करेंगे अब आप यूजिंग वन टू थ्री फाइंड एन एक्सप्रेशन विदाउट ए एंड बी तो मैं कह रही हूं यहाँ पर पुट ए एंड बी इन वन सो पुटिंग ए एंड बी हेयर जेड इज इक्वल टू दिस वन ए की प्लेस पे हम कर रहे हैं माइनस एक्स बाय टू इंटू में एक्स प्लस बी की जगह वाई बाय टू इंटू दिस वाई प्लस ए स्केयर यानी कि माइनस एक्स बाय टू का होल स्केयर दिस माइनस साइन एंड बी स्केयर यानी कि वाई बाय टू का होल स्केयर सो दिस कीव माइनस एक्स स्केयर बाय टू प्लस वाई स्केयर बाई टू प्लस एक्सकेयर बाय फोर माइनस वाई स्केयर बाय फोर टू टेक द एल्सियम एंड सिंप्लीफाई आई गोट जेड इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस एक्सकेयर बाय फोर अब ये देखिए ये एक्सप्रेशन आपके पास ऐसा है इसमें कॉन्स्टेंट नहीं है ठीक है और फंक्शंस फॉर्म भी कोई फंक्शन भी नहीं है एंड आपको मैं कह रही हूं कि चेक करो कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ वाई के साथ करके इक्वेशंस में आप पुट करके देखते हो ना इट विल सेटिस्फाई दिस वन तो ये जो सॉल्यूशन है दिस इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन ठीक है तो इस तरह से हमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना होता है ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग